ब्लॉगिंग से तो पैसे कमाना चाहते हैं, वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि अप्रूवल नहीं मिलता है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ऐड अच्छे से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्निंग बहुत ही कम हो रही है। तो इन्हीं सभी सवालों के जो आपके जवाब थे, सभी सोल्यूशन आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों वेबसाइट 7 टिप्स दूंगा, जैसे कि 3 आपको टॉप फ्री मतलब टॉप प्रीमियम थीम्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, और थीम्स को ऑप्टिमाइज कैसे सेटअप कैसे किया जाता है, और दोस्तों साथ साथ में एडसेंस को अपने ब्लॉगर को अपने एडसेंस से कनेक्ट कैसे किया जाता है जिससे आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाए, और साथ साथ में दोस्तों ऐड को कैसे सेटअप किया जाता है ब्लॉगर में, दोस्तों ब्लॉगर में कैसे सेटअप किया जाता है इसके बारे में भी आपको साथ में बताएंगे, और दोस्तों वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूवल कैसे लाया जाए इसके साथ में बताएंगे, और फिर ट्रैफिक ले रहे हो फेसबुक से, कहीं से भी ट्रैफिक आ रही है ना, तो अच्छे से ऑप्टिमाइज कैसे करें जिससे आपको ज्यादा ज्यादा डॉलर बने दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों इसी वीडियो में सारी चीज आपके सॉल्व कर दूंगा, अप्रूवल से लेकर अर्निंग तक ये सारे प्रॉब्लम। जैसे कि दोस्तों इस वेबसाइट पे मुझे बहुत ही जल्द अप्रूवल मिला है दोस्तों, जिस थीम्स को मैंने यूज करके इसका अप्रूवल पाया है वो थीम्स लगाकर दिखाऊंगा, और कैसे सेटअप किया जाता है ये भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। तो इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो रही है जिसपे अप्रूवल तो मिल गया, बट ये मैंने थीम्स चेंज किया था दोस्तों। मैंने थीम्स कौन से यूज, इस वाली थीम्स को मैंने यूज किया था, और जिसकी वजह से मुझे अप्रूवल मिल गया, और आज मैं आपको तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे बनाएंगे देख सकती हो, और यहाँ पे कैटेगरी कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉपुलर और कैसे जोड़ेंगे, साथ में यहाँ पर अगर सोशल लिंक देना है तो सोशल लिंक भी दे सकते हो, ऐड यहाँ पे कैसे लगाएंगे, जैसे कैटेगरी है आपकी, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक देना चाहते हो तो लिंक कैसे देंगे। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिलती है, अर्निंग होती है, सीपीसी अच्छा मिलता है। तो आज मैं आपको इसी बात पे इसी चीज को कवर करूंगा, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रूफ पहले दिखा दे, यहाँ पर आप देखोगे LPM.com $19,000 यहाँ पर मैंने कमाया, तो थीम्स में कितना टॉप लेवल का है, सीपीसी देखोगे तो कितना अच्छा सीपीसी इसमें मिलता है, सीटीआर भी मेंटेन रहता है, और काफी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको मैं फिर बताता हूँ। तो दोस्तों जो आपको थीम्स मिलेंगे वो आपको SairiLPM.com पे मिलेंगे, मतलब आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको 3 थीम्स दिया गया जो प्रीमियम थीम्स हैं, यहाँ पर आप डेमो भी देख सकते हो और यहाँ पर लुक भी देख सकते हो। जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ ये 3 थीम्स यूज करता हूँ, और तीनों थीम्स में काफी ज्यादा अच्छा आरपी मिलता है, अप्रूवल लेता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को दे दिया जाए, आप भी अप्रूवल लाइए और पैसे कमाइए। डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए आप भी लोग, और कैसे ऑप्टिमाइज मतलब कैसे लगाना ये भी आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, और इसे कटकल से सो फाइंडर पर क्लिक। दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, जैसे जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आप देखोगे तो ये रही हमारी जो थीम्स है वो ये रही, इसे अपलोड करना है। आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल से आपको ये देख सकते हो इस तरीके से है, अब इसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो सिंपल से थीम्स में जाएंगे, सिंपल से इस पे जाएंगे, यहाँ पर आपको अपलोड करना है उस थीम्स को, और होगा XML, कोई भी आप थीम्स को डाउनलोड करेंगे उसमें XML लिखा हो वही आपकी थीम्स है, उसे ओपन कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ये देख सकते हो अपलोड हो रहा है दोस्तों। अपलोड होने के बाद में सिंपल से व्यू करते हैं और देखते हैं कैसे हमारी वेबसाइट हो चुकी है। अब देख सकते हो इस तरीके से वेबसाइट इस तरीके से हो चुकी है दोस्तों। अब इसे और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे देख सकते हो, ऐड भी अच्छे खासे आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो, सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको भी ऐड करना है तो अब ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐड लगाना है, रिस्पॉन्सिव लिखा है यहाँ पर, ऐड यहाँ पर अर्निंग में जाना है आपको। मैं बता दूँ जब आप अप्रूवल करें, देखो सब कुछ आपको कर लेना है, सब कुछ कर लीजिए, आपने थीम्स में प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ जोड़ दीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर अर्निंग में जाना है, और यहाँ पर ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा लिखा होगा, मैं इस रिफ्रेश कर देता हूँ, ऐसा लिखा होगा। अब इसको लिखा है कनेक्ट टू एडसेंस, कनेक्ट टू एडसेंस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका एडसेंस कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। अब आपको अप्रूवल के लिए डालना है, अप्रूवल के लिए डालेंगे तब आपको अप्रूवल मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मेरा जल्द ही अप्रूवल मिला है, ऐड न्यू साइट पर करके यहाँ पर साइट को ऐड कर देना होता है, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हमारे थीम्स में दिखाया गया है कि हमें ऊपर कॉर्नर के सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, जैसे अबाउट अस में अबाउट अस होना चाहिए, अबाउट अस में यहाँ पर दूसरी मतलब जो भी आप थीम्स डाउनलोड करोगे लगाओगे तो उसकी कंपनी का मतलब यहाँ चेंज दिया जाता है ना, जोड़ना है कैसे, यहाँ पर जोड़ेंगे सिंपल से लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पर टॉप मेन्यू लिखा है, टॉप मेन्यू पर क्लिक करेंगे, टॉप मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में इसे एडिट पर क्लिक करेंगे, टॉप मेन्यू पर यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे दोस्तों, और देख सकते हो यहाँ पर अबाउट में दूसरी वेबसाइट का लिंक पड़ी है, तो हम अपनी अबाउट अस का लिंक देंगे, यहाँ पर सिंपल से एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पेज पर आपको न्यू टैब में अपने मोबाइल में कंप्यूटर में किसी में भी न्यू टैब में पेज कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस लिखा है, सिंपल से यहाँ पर जाएंगे,
आँख पे, और इसके बाद यहाँ कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे। अब देखोगे अगर इसे ओपन करोगे तो अबाउट अस, जो हमारी वेबसाइट का अबाउट अस है वो ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अबाउट अस ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको लिंक को एक बार जरूर चेक कर लेना है, नहीं तो आप दूसरी फिर से वेबसाइट का लिंक डाल दो, क्योंकि ये आपके जब एडसेंस अप्रूवल होता है ना तब ये चेक होता है। टीम, जो गूगल की टीम है वो इसे चेक करती है। अब कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस का लिंक डालना, उसके बाद में सिंपल से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये हमारा जो टॉप मेन्यू था वो सही हो चुका है। अब ये मेन्यू हम सही करते हैं, उसके बाद में सिंपल से यहाँ पर देखोगे हेडर है, यहाँ पर अगर आप लोगो को लगाना चाहते हो तो आप लोगो ही लगा सकते हो, जैसे अपनी वेबसाइट का लोगो जो भी आप लगाना चाहते हो। यहाँ पर सिंपल से ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी इमेज लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट में वो आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर आपका इमेज बड़ा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि सोशल आ गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सोशल आ गया था। अगर आप अपना देना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल से टॉप सोशल लिखा है, इस पर अगर ऐड देखो, अगर आपको नहीं देना है तो सिंपल से इसे बंद कर दीजिए, अगर आपको देना है तो इसे ऑन करके आप यहाँ पर आप दे सकते हो अपने सोशल का लिंक। जैसे कि दोस्तों मैं नहीं देना चाहता हूँ तो सिंपल से बंद कर दिया, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट मेन वेबसाइट है उसमें मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मेन्यू आ गया है, जो हमारा जैसे कि कैटेगरी इसमें जोड़ना है। कैटेगरी जोड़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वेबसाइट क्या है, गूगल क्या है, वो चेक करता है कि कौन कौन से कैटेगरी का आपका कंटेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों कैटेगरी अपनी वेबसाइट में कैसे फाइंड करेंगे ये भी बता देता हूँ। सिंपल से इसमें आएंगे, अपनी वेबसाइट में आएंगे, कहाँ गई, ठीक है, आएंगे। अब देखो लोगो भी चेंज हो जाएगा, देखो लोगो मेरा लगा चुका। अब ये मैं कैटेगरी जोड़ने वाला, सिंपल से अपनी वेबसाइट में जाना है। जैसे कि ये देख सकते हो बैंक का सब चीज़ ये आर्टिकल पड़ा है, तो मैं एक किसी आर्टिकल को ओपन करता हूँ। इस प्रकार ओपन करने के बाद में ये ऐड देखो कितना बड़ा आ गया है। तो इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर जैसे जॉब लिखा है ना, जॉब पर क्लिक करेंगे तो जॉब के जितना भी कैटेगरी होगा ये सारा चीज़ आ गया, देख सकते हो। और ये रही आपकी लेबल, इसको लेबल कहते हैं इस वेबसाइट मतलब इसमें, और ब्लॉगर में कैटेगरी कहा जाता है, तो ज़्यादातर कैटेगरी नेम यूज किया जाता है। आप सिंपल से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर मैगो मेन्यू को हटा के, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट पोस्ट आ जाते हैं अच्छा लगता है, उसके बाद यहाँ पर हैशटैग जहाँ पर है उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर जॉब जॉब डाल देंगे, सेव कर देंगे, और इसके बाद में अगर हम ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहते तो ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे और इसे हटा देते हैं सारे बाकी सब। अगर जोड़ना चाहते हो तो ऐड इन न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और कैटेगरी डाल देते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप लेबल भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ये रहे बैंक, तो बैंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो लेबल को, लेबल ही कैटेगरी है दोस्तों, लिख देंगे, पेज सेव कर देंगे। एक और तो कि मैंने जो मेगा मेन्यू था वो सारा मैंने ऐड कर दिया, सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब आपकी ये जो ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आती है ना, वो जो होम पेज पे, वो अगर आप हटाना चाहते हो तो सिंपल से हटाएंगे कैसे, यहाँ पे जाएंगे, हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऑफ कर देंगे और ऑफ हो जाएगी। पर अब ऐड कैसे दोस्तों, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट में अप्रूवल नहीं मिला है तो ऐड बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक थीम्स के साथ ऐड आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दिखा देता हूँ, योर रिस्पॉन्सिव ऐड, तो ये हटा देना है अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला है। अप्रूवल मिला है तो इसमें ऐड पेस्ट करना है, और कौन सी ऐड यूनिट को इसमें पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे टॉप लेवल के ऐड यूनिट है वो भी बता देता हूँ। सिंपल से यहाँ पे जाएंगे, बाई ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जो सबसे इस समय मैं यूज कर रहा हूँ खुद ही, जो सबसे ज़्यादा सीपीसी, हाई सीपीसी और आरपीएम दे रहा है, ये अब इसे जो भी कहते होंगे ये सबसे हाई सीपीसी दे रहा है, और मैं इसी ऐड यूनिट को बना रहा हूँ। नाम देना चाहते हो नाम दे देना है, उसके बाद सिंपल से ऐसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये आपको कोड मिल जाएगा। कोड मिलने के बाद में यहाँ पर आपको ये कोड को पेस्ट कर देना है, ये आपका ऐड यूनिट बन चुका है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर फालतू का चीज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये ब्लॉगर का फालतू का चीज़ है, ये सर्च बॉक्स फालतू का चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले ही सर्च दिया गया है। यहाँ से अगर ये सब चीज़ हटाना चाहते हो, फालतू का चीज़ हटा देना भी बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखो ऐड आ गया ना, तो ऐड वाले में ऐड पेस्ट कर दीजिए, नहीं पेस्ट करना चाहते हो तो रिम्यू कर दीजिए। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और रिम्यू पर क्लिक करेंगे, रिम्यू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ नहीं पसंद आ रहा है वो चीज़ यहाँ से हटा देना है फ्रेंड, से ऑप्टोमाइज करना है अच्छी तरीके से, मैंने यह बता दिया। यहाँ पर ऐड लगाना है, जैसे कि हर एक थीम से मैंने जितने भी थीम्स लगाया है आपको मैं बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कि वो ऐड कहाँ कहाँ से होंगे। जैसे कि होम पेज पे आते हैं तो मैंने जो हेडर वाला ऐड लगाया था, ये वाला, यहाँ
यहाँ पे देखोगे ये ऐड है, यहाँ पे दो ऐड लगा सकते हो, लेकिन एक ही ऐड रखना, ऊपर ऊपर ऐड नहीं आने चाहिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे कि ये ऐड आ गया, अब जैसे कि कोई भी पोस्ट अगर ओपन करेगा बंदा, जैसे कि मान लो इस पोस्ट को ओपन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐड आना चाहिए, यहाँ पर एक ऐड आना चाहिए, और नीचे एक ऐड आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर तो ऐड आना ही चाहिए। तो ये कैसे सेटअप करेंगे ये भी बता दीजिए, और कहाँ पर कौन सा ऐड यूज करना ये भी आपको बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर लगाएंगे ना, उस पर आपको डिस्प्ले ऐड यूज करना है, यहाँ पर आपको आर्टिकल ऐड यूज करना है, यहाँ पर आपको मल्टी मल्टी तभी हूँ और सिखाता भी हूँ। जैसे कि डिस्प्ले ऐड मेरा पहले से बना है, वो पहले से लगा चुका हूँ, उसके बाद में आर्टिकल ऐड बनाते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंपल से नेम दे देंगे कोई भी आर्टिकल, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी देते थे, उस कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐड लगाना है, ये देख सकते हो, यहाँ पर ऐड लगाना है, तो इसके लिए आपको इस वाले में लगाना है, ये देख सकते हो, ये आपको लिखा है इनसाइड पोस्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अब ये देखो, ये ऐड लग चुका है, अब इसमें ऐड लगाना है, इसमें ऐड लगाना है कौन सा, वो जो आर्टिकल ऐड होता है एक, वो ऐड लगाना है, ये देख सकते हो मल्टीफ्लिक्स ऐड। इसमें इस तरीके ऐड जब शो होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक होते हैं। सिंपल से क्रिएट पर क्लिक करेंगे और हमें कोड मिल चुका है। कोड मिलने के बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद में सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी ऐड लगा देते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले ऐड लगाना है, जैसे कि डिस्प्ले ऐड मेरे कई सारे पहले से बने हैं, ये देख सकते हो। इसके आगे लिख जाता है फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, डिस्प्ले ऐड, तो मैंने डिस्प्ले ऐड लगा देता हूँ यहाँ पर। डिस्प्ले ऐड लगाने के बाद में सेव कर देता हूँ। अब आपको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी मैंने ऐड क्रिएट किए हैं, हो सकता है ऐड ना शो हो। दोस्तों ये देख सकते हो ऐड शो होना शुरू हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ऐड शो हो रहा है। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐड आ गया है, यहाँ देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ऐड आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड आ रहा है, नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कितनी अच्छी तरीके से ऐड आना शुरू हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर भी ऐड आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेबसाइट को तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेवेन्यू बनेगी दोस्तों। बहुत लोग कहते थे कि आप ओल्ड एडसेंस में ट्राई करते हैं, मैंने इसलिए न्यू एडसेंस में आपको बताया है कि ये मेरा न्यू एडसेंस अकाउंट है। तो दोस्तों इस तरीके की वेबसाइट को हमने इस तरीके की वेबसाइट में नहीं सॉरी इस तरीके की वेबसाइट में ऑप्टिमाइज कर दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर आपके एडसेंस अप्रूवल मिल गया तो ये बाद में आप कैसे करोगे, या फिर आप एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एडसेंस अप्रूवल जिसका हो गया उसके लिए भी वीडियो है, और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए भी वीडियो है। बस आपको ऐड सेटअप नहीं करना है, ये सब आपको अच्छे तरीके से, अगर आपने ये प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से लगा दिया ना, तो आपको अप्रूवल मिलना बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि अप्रूवल मतलब कितने आर्टिकल पे मिलता है, तो मैं बोलूँ कि 5 आर्टिकल पे भी ऐड मतलब अप्रूवल मिल जाता है, 10 आर्टिकल पे भी, 50 आर्टिकल में भी मिलता है। तो दोस्तों क्या है कि अगर अब आपकी वेबसाइट में थोड़ी सी भी ट्रैफिक आने शुरू हो गई ना, इंक्रीज हो गई ना, अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट बैकलिंक बनाइए, बैकलिंक बहुत ही जरूरी है अपनी वेबसाइट के लिए। बैकलिंक मतलब जरिए प्रमोट कराइए, मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दाइए, वहाँ से आपको थोड़ी बहुत ट्रैफिक आनी शुरू हो गई ना, बस आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान होता है। और मेन पॉइंट होता है डोमेन किस प्रकार का है, डोमेन अगर टॉप लेवल का डोमेन है ना, तो आपको बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।